चलिए हम सैलू की कहानी सुनाते हैं जो एक किसान है। इन्होंने अपने धान एवं मूंगफली की फसल पर एक स्प्रे इस्तेमाल किया है जिसे गोबर, गौमूत्र और हींग से बनाया गया है। इस स्प्रे ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और कीटाणुओं से सुरक्षित किया है। आइए अब मैं आपको इसे बनाने की विधि दिखाऊंगा। 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर पानी, 200 ग्राम हींग, 150 ग्राम लाइम सोडा, 1 बर्तन। इन सभी सामग्रियों को सड़ाने के लिए और 1 ढक्कन इस बर्तन को ढकने के लिए, 1 बड़ा डब्बा लगभग 100 लीटर की क्षमता वाला और 1 पतला कपड़ा घोल को छानने के लिए। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। 5 किलो गोबर को इस बर्तन में खाली कर दीजिए। अब 5 लीटर गौमूत्र भी इसमें मिला दीजिए। अब 5 लीटर पानी भी इसमें मिला दीजिए। अब एक छड़ी की मदद से इस खोल को अच्छी तरह से मिला लीजिए। कितने दिनों तक इसे सड़ाने के लिए छोड़ देना चाहिए? इसे 4 दिनों तक सड़ाने के लिए छोड़ दें और इन 4 दिनों में हर दिन 2 बार घोल को छड़ी की मदद से अच्छी तरह से मिलाएं। घोल को हर बार मिलाने के बाद ढक्कन से अवश्य ढक दें 4 दिनों के बाद। चलिए अब हम देखते हैं कि इस पतले कपड़े से इस घोल को छानने के बाद हमें क्या मिलता है। अब इस घोल से हम क्या करेंगे? अब हम इस घोल में 150 ग्राम लाइम सोडा और 200 ग्राम हींग डालकर मिलाएंगे। हींग और लाइम सोडा डालकर मिलाने के बाद इस घोल को हम 100 लीटर पानी में मिला देंगे। क्या इस घोल को 100 लीटर पानी में मिलाने के बाद हम फिर से इस पतले कपड़े से छानेंगे? नहीं, हमें इसे दोबारा छानने की जरूरत नहीं। हम जिस पंप से इसका छिड़काव करेंगे उसमें एक जाली लगी होती है जो इसको खुद ही छान देती है। इस घोल का छिड़काव हम कितने एकड़ में कर सकते हैं? 1 एकड़ में। इस घोल को इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हैं? यह घोल कई प्रकार के कीट और धान की फसल में होने वाली हानिकारक बीमारियों से बचाता है। यह घोल कितने दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है? 2 दिनों तक। इस घोल के बारे में हमें बताने के लिए धन्यवाद।